गुलाम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। ये वफूरे गम से दो आंसू बहाएं तो बगावत है, और सितंगारे जहां को भूल जाएं तो बगावत है। समझ नहीं आता छेड़े तो दास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है और रुलाएं तो बगावत है। आज मैं जामा मस्जिद के अंदर, जो कि हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और अब से नहीं कई सौ साल से ये मस्जिद तामीर है। यहाँ पर इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं, और ये कोई नई नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा करते हैं। मेरी मीटिंग थी कल वहाँ पर दिल्ली के अंदर, और आज भी थी, लेकिन मैंने कल अपनी एजुकेशन कमेटी की मीटिंग अटेंड कर करके आज मैं नमाज के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे मालूम चला कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं तैयारी ये इतनी क्यों लगा रखी पुलिस फोर्स, यहाँ कोई जंग तो होने नहीं जा रही, यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हैं। और जैसा कि अभी तीन दिन पहले जो वाकया हमारे सामने आया, निहायत ही अफसोसजनक है। मैं अफसोसजनक इसलिए है क्योंकि संभल की सरजमी पर बहुत अमन व अमान के साथ, बहुत सुकून के साथ में सभी लोग, सभी धर्म बिरादरी के लोग सुकून से रह रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो शरारती तत्व उन्होंने जो याचिका डाली और उसके अंदर जो सर्वे का, मुझे ताज्जुब ही है इस बात का, और ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट के आदेश को के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूँ, और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा ये है कि इस आदेश के तहत, क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले, सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर, कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का, और एक दो घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये दो दिन, चार दिन, एक हफ्ते में कभी भी हो सकता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन के जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है, अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्यवाही करता, जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर, फिर भी इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने, के अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे ले आए, मैं खुले उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। और रही बात इस संभल के अंदर सुकून है, हम सुकून को ही कायम रखना चाहते हैं। मैं आज सांसद हूँ इस जगह, आज यकीनन दादा मोहतम बख्श साहब की बहुत कमी है, क्योंकि वो संभल की जामा मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हमदर्दी रखते थे, और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान, ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हमारी पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, उसके अंदर सीधे सीधे ये है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल अपनी जगह है वो अपनी जगह रहेंगी। उसकी धारा 2 कहती है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है कि अगर कोई केस अगर किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ है, और अगर वो केस अदालतों के अंदर है जो 1947 15 अगस्त से पहले धार्मिक स्थल है, तो उस केस को, उन पेंडिंग केसों को बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि किसी भी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरी धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 कहती है कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़कर के हर धार्मिक स्थल पर ये लागू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया हुआ कानून है उसको मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो,
या कोर्ट हो, उस कानून को मानना है। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि अगर कोई गलत करे तो उसको के खिलाफ मुकदमा रखना, न्यायालय का काम है। अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ मुकदमा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको सजा देना। लेकिन जो कानून बना हुआ है उसके खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ कर नहीं बनाई गई। और हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे रिटर्न मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे मजहब इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है। अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी, अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, गलत क्या है? अरे हक हक है, हक कहेंगे। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई च्वाइस हैं, हम मजबूरी से नहीं है। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, और मैं प्रयास करूंगा, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से, मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले पार्लियामेंट में, मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संबल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, न किसी दूसरे धार्मिक लोगों से, ना ही पुलिस प्रशासन के लोगों से। लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि रही बात जहाँ तक धर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ, मुझे जो वोट दिया है मुसलमानों के साथ दूसरे धर्म के लोगों ने वोट दिया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका सम्मान भी करता हूँ, उनका काम भी करता हूँ, और उनको हक और इंसाफ के लिए राजनीतिक तकाजे से जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ उससे भी, और मजहबी तकाजे से भी मैं मुसलमान और हिंदू समाज के लोगों के जायज काम को करूंगा। लेकिन जहाँ मैं मजहबी आदमी होने के नाते, ये जामा मस्जिद अल्लाह का घर है, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी धार्मिक स्थलों पर अप्लाई होते हैं, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक चाहे मंदिर हो या गिरजाघर, कोई भी चीज हो, हर उस पर लागू होता है। तो सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके पिलर्स ऑफ वर्शिप एक्ट में था, सारे धार्मिक स्थल जो 1540 से पहले हैं वो अपनी जगह रहेंगे, उनकी जगह पर कोई दूसरा नया रूप या दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।